जय हिंद बंदे मातरम नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी सेवन जीरो में।, में बात करेंगे जर्नल नॉलेज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वीडियो के माध्यम से पच्चीस महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास आज का पहला प्रश्न है किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोग इसको नोट करेंगे किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के ध्रुवों पर इस पॉइंट को आप नोट करेंगे पृथ्वी के ध्रुवों पर साथियों अधिकतम भार होगा आप इसको नोट करेंगे अगला ऑप्शन है पृथ्वी और औसत तापमान क्या है पृथ्वी और औसत तापमान क्या है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी और औसत तापमान है 16 डिग्री सेल्सियस स्पैन को आप नोट कर लीजिएगा अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा सूफी सिलसिला अकबर के समकालीन है सूफी सिलसिला अकबर के समकालीन है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक है चिश्ती चिश्ती जो साथियों सूफी सिलसिला है ये अकबर के समकालीन है आप सभी लोग इसको नोट करिएगा साथियों इस वीडियो के माध्यम से पच्चीस महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे तो आप सभी लोग इनको नोट करके चलिएगा अगला ऑप्शन है अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई लड़ी गई थी सिकंदर और पोरस की जो लड़ाई थी साथियों ये किसके बीच लड़ी गई थी झेलम पानीपत राबी या फिर तराइन में राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए झेलम में अलेक्जेंडर और जो अलेक्जेंडर की लड़ाई हुई थी जिसको हम पोरस की लड़ाई भी कहते हैं ठीक है ठीके? ये झेलम नदी पर हुई थी अगला ऑप्शन है सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुकस निकेटर ठीक है सेलुकस निकेटर के अधीन चला गया था अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का विचार डैश के संविधान से लिया गया है आयरलैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया जापान सभी लोग इसको नोट करिएगा भारतीय संविधान में संवर्ती सूची का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया से इसको लिया गया है आप सभी लोग नोट करिएगा अगला ऑप्शन है सातवीं अनुसूची का संबंध डैश से है सातवीं अनुसूची का संबंध डैश से है भाषाओं भासा, से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से पंचायती राज छे। राइट है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन आप सभी लोग इसको नोट करिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला ऑप्शन है पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवासन हुआ है वह किस विधा से जुड़े हुए थे पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देवासन हुआ है ये किस विधा से जुड़े हुए थे राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये तबला वादक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है अगला ऑप्शन है कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है सभी लोग इसको रन करिएगा कलारी पट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य का साथियों कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला ऑप्शन है पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव शहर दिया गया था आप सभी लोग इसको नोट करिएगा अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार सम्मेलित नहीं है निम्नलिखित में कौन सा सही प्रकार सम्मेलित नहीं है राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंच सिद्धांतिका साहित्य ठीक है आप इसको नोट करिएगा पंच सिद्धांतिका साहित्य ये सम्मेलित नहीं है अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन से संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेर नहीं पाए जाते कौन से संरक्षित क्षेत्र में एशियाई शेर नहीं पाए जाते राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए रतन महल आप इसको नोट करिएगा रतन महल ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला ऑप्शन है किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए वल को क्या कहते हैं राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं इसको स्थैतिक कहते हैं। अगला ऑप्शन है थिएटर ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार की प्रसिद्ध ग्रीक निदेशक द्वारा एक पहल थी राइट right आंसर का ऑप्शन नंबर बी थियोडोरेस टेर पोलेस ठीक है टेर पोलेस इस पॉइंट को आप नोट करेंगे अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन गणित पर आधारित सबसे पहला प्रबंध है गणित पर आधारित सबसे पहला प्रबंध कौन सा है राइट आंसर है ऑप्शन तो नंबर ए सुलभ सूत्र ठीक है सुलभ सूत्र इस पॉइंट को नोट करेंगे एक गणित पर आधारित सबसे पहला प्रबंध है अगला है सौर वर्ष के साथ चंद्र वर्ष के अंतराल को समायोजित करने के लिए जोड़े गए मास को कहा जाता है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सोलह का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों आप इसको नोट करिएगा Osionfish. अगला ऑप्शन है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा आपको यहाँ पर नीचे चार दिए गए और आपसे पूछा गया है कि कौन सा लोकगीत राज्य से मेल नहीं खाता है है right आला आला साथियों महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान को क्या नहीं लिया गया है भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार नहीं लिए गए हैं इस पॉइंट को नोट करना है अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा लेख राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शून्य नहीं हो सकता कौन सा लेख राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शून्य नहीं हो सकता है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद बीस और इक्कीस अनुच्छेद जो बीस और इक्कीस है यह राष्ट्रीय आपात के दौरान भी इनको कोई अलग नहीं कर सकता है न इनको कोई छीन सकता है अगला ऑप्शन है संशोधन अधिनियम दो हजार तीन द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोकड़ी भाषा सम्मिलित तो नहीं की गई थी अगला ऑप्शन है एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है। एड्स निम्नांकित संक्रमण के कारण होता है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर से होता है इस पॉइंट को आप नोट करिएगा अगला ऑप्शन है, तो तो है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेबुल साल्ट क्या कहते हैं टेबुल साल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेहा पंडित अगला प्रश्न है भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपने पच्चीस प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद